Why nobody has removed Akshay? I don't know what happened. नहीं वो इंटरनेट होता है ना, तो वापस निकल जाते हैं, आएंगे वापस। एक्चुअली मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया तो शायद वो दबाया तो मे बी ही जस्ट वेंट ऑफ. सो कोई नया मुझे नहीं लग रहा है, सब सब वही है. सो भूमि यू कैन स्टार्ट. ओके मैम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर सेकेंड डे वर्कशॉप, एंड स्पेशली वेलकम टू आवर गेस्ट स्पीकर डॉक्टर लता मैम मिंगू। तो आज ही हमारा वर्कशॉप का सेकेंड डे है। डॉक्टर लता मैम आज हमें रिजुविनेंट एंड क्लीनिंग प्रोसेस के बारे में समझाएंगे। होप आप सभी लोगों को कल के सेशन में बहुत अच्छा महसूस हुआ होगा। लता मैम ने हमें बहुत अच्छे से मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस के बारे में बताया, जिससे हम ध्यान करके अपने मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम छोटी सी प्रेयर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रेयर। तुषाराहार धवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या चलो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों को निवेदन है कि आप अपने अपने फ़ोन या जिस किसी साधन से आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं, कृपया अपना माइक स्विच ऑफ रखें। आपको कोई भी क्वेरी हो या क्वेश्चन हो तो आप अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, और आप अपने वीडियो को ऑन रख सकते हैं। तो वंस अगेन आई वेरी वॉर्म वेलकम टू अवर स्पीकर डॉक्टर लता बेन निंगू। तो अब मैं मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आज के सेशन को कंटिन्यू करें। मैम द फ्लोर इज़ योर्स। थैंक यू जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट एडजस्टिंग वन ओके मैम। मोमेंट। या गुड इवनिंग टू एवरीवन, नमस्ते टू एवरीवन। एंड सो एक रिकैप करते हैं। कल हमने जो हार्टफुलनेस ध्यान के बारे में समझा, हार्टफुलनेस ध्यान किस किस क्या कहेंगे किस बॉडी पार्ट पे हम करते हैं, एक क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। ठीक है, बोलो किसको याद है कहाँ पे करते हैं हम हार्टफुलनेस में ध्यान, किसी को याद है? यस कृष्णा, नियति मैम, यस यस हार्ट हार्ट, वेरी राइट, थैंक यू सो मच। यस ऑन द हार्ट, थैंक यू नियति जी। तो हाँ, हमारे में हम हृदय पे ध्यान करते हैं। और क्या मोस्ट ध्यान के वक्त जब हम ध्यान करते हैं तो व्हाट इज द यूनिक थिंग जो हमें मिलता है, क्या मिलता है हर ध्यान, जब भी हम ध्यान करने बैठेंगे, जहाँ पे भी हम ध्यान करने बैठेंगे, चाहे हम ट्रेन में हो, बस में हो, एरोप्लेन में हो,
कहीं पे भी हो, जब भी हम ध्यान करने बैठेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें क्या मिलता है? What is the most unique part that I had said about heartfulness? Does anyone remember? शांति तो यस मिलेगी, वो बाय प्रोडक्ट है, हाँ मिलेगी जरूर। और एक एनर्जी, शांति का जो, हाँ सॉरी, एक एनर्जी मिलती है कुछ करने की। शायद मेरा क्वेश्चन सही नहीं है। ये जो पद्धति है, हार्टफुलनेस की पद्धति जो है, उसमें पावर, पावर जो हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं ना, वो हॉर्स पावर क्या चीज है? मैंने कुछ समझाया था, बारिश पड़ती है, सब कुछ कैसा हो जाता है? नेहल शायद रेज द हैंड। यस मैम, मैं ट्राई करूं। हाँ, बिल्कुल, डिवाइन ट्रांसमिशन। अरे थैंक यू सो मच, तालियां। यस, दैट इज द डिवाइन ट्रांसमिशन, दैट इज द हॉर्स पावर, दैट उसकी वजह से हमें बहुत फास्ट शांति, और उसी की वजह से इतना डीप रिलैक्सेशन लगता है कि ऐसा लगता है कि मैं तो सो गई क्या, मुझे आजू बाजू का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। कुछ आवाजें भले अभी जितनी भी आपके पास आती हों, तब जब हम ध्यान करने बैठते हैं इतने डूब जाते हैं। उसके कारण ये है कि वो जो ट्रांसमिशन है ना, वो हमें इस बहुत फास्ट, एक रॉकेट स्पीड पे हमको अंदर, इनर सेल्फ पे लेके जाती है। तो ये बहुत यूनिक पार्ट है हमारे हार्टफुलनेस ध्यान के बारे में। हमने पोस्चर के बारे में समझा, हमने टाइम के बारे में समझा, राइट, पोस्चर, टाइम, व्हाट यू विल डू, अगर बहुत थॉट्स आ रहे हैं तो मैं उसे कैसे डील करूं, उसके बारे में हमने समझा। किसी को याद है कि अगर बहुत थॉट्स आते हैं तो मैं उसको कैसे डील करूं, क्या करूं मैं? कृष्णा तो तारो क्वेश्चन छे, तने याद हो उच जो है। જમવાનું નહીં પૂછીએ, ભાઈ હા હલો કે બસ, કે આગે બોલતી નહીં હે ના, હમ ઉસકો અટેન્શન દેંગે તો વો તો બેઠ હી જાયેગા ઓર દો ઘંટા લગા લેગા, તો હમકો તો ઉસકો બેઠાના હી નહીં, तो हमको उसको इग्नोर करना है। और फिर से क्या करना है, इग्नोर करना है, वो वन पार्ट। दूसरा पार्ट है ये है कि हमें फिर से अपना अटेंशन हृदय पे ले आना है, ठीक है। हम अपना अटेंशन हृदय पर ही रखते हैं और क्या होता है, ध्यान कैसा रहता है, ध्यान जो है वो पैसिव है। हम उसमें कैसे रहते हैं, हम एक साक्षी भाव में रहते हैं, जो हो रहा है उसको होने देते हैं, लेट गो, जस्ट लेट गो, उसको उस अपनी प्रोसेस को, उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं रखते हैं, उसको उसको जाने देते हैं, भाई तू अपना काम कर, कोई जजमेंट नहीं करते हैं, किसी थॉट के ऊपर जजमेंट नहीं करेंगे, चाहे जो थॉट आया उसके ऊपर जजमेंट नहीं करेंगे कि ये कैसा थॉट, ये क्या आया, आज क्या देखा, एंड व्हाट, नथिंग, okay, nothing we would think about it. So it is a journey, okay, so journey rehta hai, to hamari jo kya kahenge, train mein travel kar rahe hain ya flight mein bhi agar travel kar rahe hain ya bus mein bhi hum travel kar rahe hain, to travel karte hain to scene to badalti hi jayegi na, it will keep on changing, so never two meditation sessions will be the same, never ever, it will always, because hum it is a what to say, constantly we are changing from inside, so it will never be the same. To sab agar aisa lagta hai ki
अगर आपको ऐसा लगता है कि रोज मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है, रोज ऐसा हो रहा है, रोज मतलब मेरी गाड़ी अटक गई है, तो तुरंत अपने ट्रेनर, कोई भी ट्रेनर होता है, जैसे मैं आपको आज सिटिंग दे रही हूँ, उसको सिटिंग बोलते हैं, ठीक है, तो उस ट्रेनर को मिलके बोलने का कि भाई मुझे सिटिंग दे दो, चाहे कभी भी, ओके, ऐसा लगता है कि नहीं अभी तो सेम सेम कुछ हो ही नहीं रहा, तो जाके ट्रेनर से सिटिंग ले लेने का, ओके। आज हम जो सीखने जा रहे हैं दूसरे दिन का सत्र में, आज जो हम टूल सीखने जा रहे हैं वो बहुत 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 ही अनोखा और महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है। इसे हम कहते हैं रिजुविनेशन एंड क्लीनिंग, सफाई की प्रक्रिया। अब सफाई किस चीज़ की कर रहे हैं, देखिए रोज हम अपने घर को झाड़ू मारते हैं, ठीक है, उसको क्लीन रखते हैं, बर्तन को धोते हैं, उसको साफ करते हैं, फिर उसमें पानी भरते हैं, दूध भरते हैं, खाना पकाते हैं, एवरीथिंग। उसी तरह अपना अंतःकरण जो है ना, हमारा अंतःकरण, हम पूरे दिन में कितने ही थॉट्स से क्रॉस होते हैं, एक दिन में कहा जाता है हमको 70,000 थॉट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, ओके? और जब हम किसी बात से अपसेट होते हैं, चाहे किसी बात से हमको किसी बात गुस्सा आया, दुख पहुंचा, डर लगा, घृणा हुई, किसी से जेलसी हुई, राइट, वो चीज़ें क्या उस दिन कैसा रहता है, राइट, कैसा रहता है कि हम बार बार उसके बारे में सोचते हैं, या उस वक्त इतना आघात पहुंचा है मुझे कि वो मुझे इतना डीपली हर्ट हो गया, कोई भी बात, और वो रिपीट होती रहती है, नहीं, उस चीज से मैं कैसे कट होके नॉर्मल हो पाऊँ, ये पद्धति हमें सिखाती है, ये पद्धति हमको इतना लाइट कर देती है। हम अपने इमोशन बैगेजेस को लेके घूमते हैं, लेके कितना कितना लेके घूमते हैं, 1 साल, 2 साल, कभी कभी ऐसा रहता है कि 10 साल, 25 साल तक भी हम रखे रहते हैं, पर उस भार को रखने से नुकसान किसका हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है, मेरा खुद का ही होगा, खुद ही मेरा अंदर जो है ना सड़न होती जाएगी। सड़न राइट शब्द है, हिंदी शब्द रस्ट, ओके, ऑल दीज नेगेटिविटी स्टार्ट रस्टिंग मई फ्रॉम इनसाइड, मुझ में कई सारी नेगेटिविटीज, हम सभी में हैं, हम सभी हमारे बैगेज से बॉर्न हुए हैं, हम अपने संस्कार अगले जन्मों से लेकर आए हैं, और हमको उस पर्टिकुलर फैमिली में उस पर्टिकुलर रोल में जन्म मिला, ठीक है, इस जन्म में हमने और संस्कार क्रिएट किए, ओके, पहले वाले खत्म हुए नहीं हैं, हम रोज रोज नया नया बनाते जा रहे हैं, नया नया बनाते जा रहे हैं, तो हमारी जो क्या कहते हैं, जो बोलते हैं ना जन्म पत्री, वो सेम तो कभी नहीं होने वाली। आप चाहे बेस्ट ऑफ बेस्ट हॉरोस्कोप को दिखा दो, एस्ट्रोलॉजर को दिखा दो, वो सेम नहीं रहेगी, क्योंकि मैं रोज अपना डेस्टिनी लिख रही हूँ, रोज मैं अपने आप को नया संस्कार बना रही हूँ, छूट नहीं रहा है। 25-25 साल तक मैंने अपने अंदर इतनी सारी चीजें भरी हुई हैं, और उसकी वजह से मेरा लोगों के साथ जो व्यवहार है उसमें बदलाव आता है। जिस पर्सन के साथ मेरा कुछ प्रॉब्लम है उसके साथ तो छोड़ ही दो, राइट, उसके साथ तो हमारी कोई प्यार आत्मीयता वो रहती नहीं है, और भी कठिन रिश्ते होते जाते हैं, तो उन सबको मैं कैसे खुद को चेंज कर पाऊँ, और मेरे रिश्तों में कैसे बदलाव आए। मैं चाहे जितना भी उपवास करूं या वॉट एवर, यू नो आई एम जस्ट, मैंने भी बहुत कुछ किया, पर कितना बार लगा कि मेरे में चेंजेस नहीं आ रहा, बहुत गुस्से वाली, अभी भी मैं हूँ, आई एम नॉट सेइंग। दूसरी मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि दो दो चीज़ें जो हैं, जो ईश्वर ने, डिविनिटी ने हमको दिए हैं, और वो कभी खत्म निल नहीं होगा, निल, वो है गुस्सा, एंगर एंड पैशन,
passion. Passion yani sex, sexual. Why? Because sexual, God has created two genders. Two genders kyun create kiya? Because hamein humanity ko aage badhana hai. The souls have to come, do their, do their karmo ka jo account hai usko, len den jo hai wo khatam karna hai, phir jaake merge hona hai, to aana hai. Souls wahan pe ghum rahi hai, jo idhar janam lena chahti hai, us prakar ka environment milega to wo aa jayengi. Okay, so anger can never be ever annihilated, khatam nahi kar sakte. Divinity ne humne diya hai. Kyun? Anger kyun? Anger is to be utilized on self, not on others. Anger to be utilized ki mujhe ye cheez nahi karni hai, mere improvement ke liye anger ho sakta hai aur hona chahiye. To that some amount, not a very aggressive thing, but to that amount ki no, this is where I'm not right. This is where I have to correct myself here. So anger is never to be gone to the outside, to this other person, but anger to self, and passion can never be annihilated. So I was into that our baggages. So jo burden hum leke chalte hain is janam ka, agle janmo ka, to burden ke wajah se aur bhi pattern hamara change ho jata hai. Hamare jo ek we become so hardwired. Okay, our brain is hardwired. जो तरीका चलता है उसी तरीके से हम चलते जाते हैं. तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे? तो हमने भी बहुत कुछ किया लेकिन हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया. पर जब हम हार्टफुलनेस में आए, ये मेरा जर्नी, मैं अपनी बात कर रही हूँ, ये मेरी जर्नी. तो मुझे हार्टफुलनेस में आके ये पूरी पद्धति, इस प्रैक्टिस को बराबर फॉलो करके मुझ में चेंजेस आए हैं. अभी जर्नी चालू है. We can never say that we are perfect. Yesterday also I told you, we can never say we are perfect. It is a infinite journey. There is so much more to evolve. Okay. So, somebody has raised a hand. Yes. Yes, Akshay bhai. Akshay ji, aap pooch sakte hain. No problem. Unmute karein khud ko. अगर मिस्टेक में हो गया है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं. अगर आपको कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछें. मुझे लग रहा है ऐसे ही हुआ है. हाँ, राइट. माय मिस्टेक ही इज डन. ऑलराइट. ओके. सो हाँ, सो हम ये जो बर्डन को कैसे निकालना है उसके ऊपर ये पद्धति को सीखेंगे हम. और इट इज अ वे वेयर आई कैन क्लीन माय इनर सेल्फ. अभी अगर मैं खाती हूँ, समोसे खा रही हूँ और ये क्या बोलते हैं, टमाटो सॉस और के साथ समोसा खा रही हूँ, और मैंने पूरी मस्त वाइट ड्रेस पहनी है, और सडनली खाते खाते क्या हो रहा है, टमाटो सॉस मेरे ड्रेस पे गिर गया. ओके, गिर गया तो मैं अगर वेट करूँगी, चल ना बाद में साफ करती हूँ. मैंने ऐसे ही जाके रख दिया, भूल गई, पड़ा है, रख दिया और धोया नहीं. एक दिन, दो दिन, चार दिन, पांच दिन हो गया, रखा रहा. फिर जब मैंने इसको धोने में डाला तो क्या होगा, वो पूरी तरह से निकल नहीं जाएगा, थोड़ा दाग रह जाएगा. ओके, तो ये तो हुआ टमाटर सॉस वाला दाग. हमारे इमोशंस के जो दाग पड़ते हैं ना, वो इसी तरीके से डीप डीप डीप, और उसको निकालने में इट बिकम्स अ लॉन्ग प्रोसेस. यू नो, देयर इज वेयर क्लीनिंग हेल्प्स अस. There is where these sittings that you take with a trainer, that will help, because the trainer will keep cleaning us. He will sit to do, meditate, but he will do our cleaning. जब भी हम sitting लेंगे, वो जो है वो मेरी cleaning करता है. मेरा voice बराबर आ रहा है? मुझे तो बराबर सुनाई दे रहा है. I don't know about others. आपका internet? हाँ, net जो हो तमारु. નેટ મારો અવાજ તમને ક્લિયરલી સંભળાય છે? યસ મેમ, ક્લિયરલી સંભળાય છે. તો મે બી નિયતિ બેન, ઇન્ટરનેટ નો થોડો ઇશ્યુ છે. કન્ટિન્યુ મેમ. હા, ઠીક હૈ ના. તો મે કહાં પે થી, કહાં પે થી મે,
was on which point? Anybody can tell me I was on which point? Cleaning ke liye. But which point? Yeah, the tomato sauce that thing. Yeah, yes. The tomato sauce thing. Okay, so it is like this with our emotions. See, memory, hamari memory mein two types of memory hai. Ek cognitive memory hai, ek emotional memory hai. Cognitive memory hai jo forget karta hai, emotional memory hai wo forgive karta hai. So it is very important to forgive. Forget shayad nahi hoga, chalega. फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है. वो इमोशनल बैगेज को निकालना, क्लियर करना, चुकता कर देना, उस कर्म को, उस जो बॉन्डेज जो हम दोनों ने बनाया उसको चुकतू कर, उसको ख़त्म करना है. उसको ख़त्म करने के लिए एक रबर चाहिए ना, मस्त वाला स्क्रबर चाहिए. ये स्क्रबर का काम करता है, ये क्लीनिंग की सफाई जो हम आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. एक छोटा सा वीडियो देखेंगे कि कैसे करना है और वो आज हम एक्सपीरियंस भी करेंगे. वी विल डू इट टुडे. ओके, सो आज कोई नया नहीं है ना, कल वाले सभी है ना, वो मुझे जानना ज़रूरी है बिकॉज सेकेंड सिटिंग होने वाली है. ओके, और तो ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ समझनी होती है कि वाई वी आर डूइंग द क्लीनिंग. All right, what is the significance of doing the cleaning? So, अब आगे बढ़ते हैं कि cleaning की प्रक्रिया करते कैसे हैं. Okay, करते ऐसे हैं, हम बैठ जाते हैं अपने जहाँ पे भी आपकी ध्यान का जो जगह आपने चुना है उधर बैठ जाएंगे. हम comfortably बैठ जाएंगे. ये पद्धति जो है ये हम शाम को करते हैं, ध्यान करते हैं सुबह में करते हैं. ठीक है, cleaning की पद्धति हम शाम को करते हैं. कब? लेडीज़ का जो है शाम का जो अगर हाउस वाइफ है उसका क्या कहते हैं हस्बैंड आए खाना वाना पकाने का मेजर मतलब आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि शी इज़ अ लिटिल बिट फ्री एट दैट टाइम शी कैन डू इन द इवनिंग द क्लीनिंग. जेंट्स जो हैं अपना जब भी काम करके ऑफिस से आते हैं फ्रेश होके तभी कर सकते हैं. पर डिनर करने के पहले करना है. डिनर के बाद हमारे में वो विल पावर नहीं रहता है तो बहुत ड्राउजी हो जाते हैं हम. तो इसमें विल पावर लगानी है. दूसरी मतलब डिफरेंस इन मेडिटेशन एंड क्लीनिंग इज क्लीन मेडिटेशन में हम पैसिव है, हम जस्ट बैठते हैं विटनेस हो विटनेस के भाव से बैठते हैं. क्लीनिंग में हम झाड़ू में मार रही हूँ बर्तन साफ कर रही हूँ तो मुझे फोर्स तो लगाना पड़ता है नहीं तो नहीं साफ होएगा. वैसे ही क्लीनिंग की पद्धति मुझे विल पावर लगाना होगा तब जाके वो क्लीन होगा. ठीक है, तो आपकी जागरूकता होनी चाहिए. इवनिंग में ये चीज़ करेंगे हम. आप अपना मेजॉरिटी काम हो गया, हम अपना काम करके आ गए घर पे, तब कर लीजिए. आपका दूसरा जो सेकेंड पार्ट ऑफ द इवनिंग का जो शेड्यूल शुरू होता है उसको करने से पहले कर दें इवनिंग में. But it's best to be done during sunset. Okay, वहाँ पे क्या होता है, sunset हो रहा है तो outflow energy जो होता है वो outflow होता है और यहाँ पे हमको बाहर निकालना ही है जो process हम समझेंगे तो वो easy कर देता है outflow. Morning में जो energy सब होती है वो अंदर आती है तो हमको इसीलिए ध्यान करने में एकदम आसानी होती है. सूर्योदय से पहले easily we go inside because all the energies are coming inside. Fine, so cleaning mein karte kya hai, cleaning mein aap apne comfortable position pe baithte hain jahan pe apna jagah aapne fix kariye wahan pe hum baithte hain. Fir ek thought dete hain ki sabhi jatiltaen aur sabhi ashuddhiyan, sabhi jatiltaen aur sabhi ashuddhiyan mere pure peeth se. हम अपने पीठ को इमेजिन करेंगे फ्रॉम टॉप ऑफ द हेड टू द टेल बोन. वी विल इमेजिन अवर एंटायर अपने पूरी पीठ को आप इमेजिन करेंगे कि सभी जटिलताएं और सभी अशुद्धियां मेरे पूरे पीठ से माथे के शिखर से लेके करोड़रज्जू तक धुओं के रूप में निकलती जा रही है. ये संकल्प हम देंगे. हार्टफुलनेस का जो प्रैक्टिस है वो सब संकल्पों से काम करता है. एवरीथिंग
वर्क्स ऑन दिस संकल्प. कल भी हमने ये संकल्प दिया ध्यान में, हमें संकल्प देना जरूरी है कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है. ठीक है, ये एक संकल्प देख के हमें ध्यान में बैठ जाना है. एक ही बार बोलना होता है और हम हृदय से कनेक्ट हो गए, डिवाइन से कनेक्ट हो गए, मैं मेडिटेशन शुरू कर लिया. ठीक है, वैसे ही क्लीनिंग में हम ये संकल्प देंगे कि सभी जटिलताएं और सभी अशुद्धियां मेरे पूरे पीठ से धुओं के रूप में निकलती जा रही है. धुएं या बाफ, कोई भी एक चीज को आप इमेजिन करें, धुओं के रूप में निकलती जा रही है. बहुत सारे धुओं को निकलते हुए देखना है हमें और महसूस करना है. धीरे धीरे इस प्रोसेस को हम स्पीड देते हैं, जैसे कि हम बाइक चलाते हैं. ओके, धीरे चालू करी, हमने बाइक चालू करी, फिर अपन स्पीड देते हैं, ओके चलो आगे बढ़ती है गाड़ी. यहाँ पे भी धीरे से इस प्रक्रिया को हम स्पीड देते हैं, आगे बढ़ाते हैं उसको और बहुत सारे धुओं को निकलते हुए देखते हैं. ये पद्धति, ये टूल हम आधे घंटे के लिए करते हैं डेली इन द इवनिंग, नॉट मोर देन हाफ एन आवर. तो 20 मिनट्स जो हमारा काम होता है ये धुओं निकालते हुए निकालने में काम करते हैं. वी गो ऑन रिमूविंग दीज फ्यूम्स फ्रॉम बिहाइंड. ओके, फिर 10 मिनट, उसके बाद के जो 10 मिनट हैं उसमें अब खाली कर दिया हमने सारा बैगेज जो हमने आज का, कल का, कभी का, एवरीथिंग. वी आर नॉट टेलिंग कि मेरा गुस्सा जा रहा है, मेरी घृणा जो है मुझे वो जा रही है. झाड़ू जब मैं निकालती हूँ तब मैं पेपर को, ऐसे नहीं कि मैं पेपर छोड़ दूंगी, प्लास्टिक निकाल दूंगी, चलेगा, ऐसे नहीं करते हम सब कुछ निकाल देते हैं, एवरीथिंग. सो एवरीथिंग हैज टू बिकम निल, राइट. सो वेयर वाज आई, हाँ, सो हमने खाली कर दिया, निकाल दिया सब कुछ जो है, अनवांटेड जो भी है, एवरीथिंग दैट वी हैव रिमूव्ड. सो अब मेरा पात्र जो है वो खाली हुआ, तब हम डिविनिटी को आगे से, दिव्य धारा को आगे से इनवाइट करते हैं कि दिव्य धारा सोत्र से मेरे हृदय में आ रही है और मेरे हृदय से होके मेरे शरीर के हर एक कण कण में, हर एक कोशिकाओं में से गुजर के मेरे पूरे शरीर में ये दिव्य धारा अब फैलती जा रही है. और अब मैं पूरी तरह से, ये 10 मिनट का काम है, दिव्य धारा को इनवाइट करना हृदय में और फिर उसको, क्योंकि हृदय में आया फिर तो ब्लड फ्लो होगा, तो पूरे ब्लड फ्लो से वो पूरे शरीर के हर एक सेल में जाता है. हर एक सेल में जाके ये दिव्य धारा अब मेरे पूरे शरीर में समा गई है. अब सो देखो, सब जटिलताएं निकल गई तो मैं बहुत सरल निर्मल हो गई, अशुद्धियां निकल गई तो मैं पूरी तरह से शुद्ध. तो अब मैं पूरी तरह से सरल निर्मल और शुद्ध बन गई हूँ, जैसे कि ईश्वर का घर. नाउ आई एम टोटली क्रिस्टल क्लियर. इस संकल्प के साथ हमारी क्लीनिंग खत्म होती है. ओके, सो एवरीथिंग वर्क्स अपॉन संकल्प हियर. वी विल वर्क अपॉन दिस. सो टुडे वी विल डू दिस क्लीनिंग एंड देन वी विल, मतलब विल कंटिन्यू इट टू मेडिटेशन. ठीक है, मर्ज कर लेंगे आज, ऐसे करेंगे 5-10 मिनट क्लीनिंग प्रक्रिया करेंगे और फिर उसको ध्यान में मर्ज करेंगे. सो मैं अब एक वीडियो चलाना चाहूँगी ऑफ क्लीनिंग. ओके, सो आई एम प्रेजेंटिंग नाउ, एक मिनट वो वीडियो, हाँ ओके ओके. आपको दिख रहा है? हाँ, प्रेजेंटेशन शुरू हो रहा है मैडम. ये वीडियो, मतलब ये, हाँ राइट, ओके ओके. प्रेजेंटेशन ये आपको यूट्यूब दिख रहा है? यूट्यूब नहीं, नहीं, आप डायरेक्ट चला रही हैं यूट्यूब से? हाँ. एक मिनट, तो कैन यू जस्ट लेट मी नो द थिंग, आई विल शेयर इट. हाँ, आप मैं ले,
पहले आप YouTube ऑन करके वीडियो खोल दीजिए, फिर आप शेयर फिर कीजिए, फिर विंडोज शेयर कीजिए, तो YouTube अच्छा, आपके विंडो में जाएगा। एक मिनट, तो 1 मिनट। हाँ, ऐसे क्यों हो रहा है? वैसे तो होता ही है, किसी को नहीं दिख रहा है। नहीं, एक मिनट मैम, एक बार वीडियो स्टार्ट करके दिखाइए ना, बिकॉज स्क्रीन इज विजिबल। या हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, अब हो रहा है, सुनाई भी दे रहा है। स्क्रीन इज विजिबल, सुनाई भी दे रहा है। हाँ जी, हाँ जी। सफाई दिन के अंत में सभी कार्यों की समाप्ति के पश्चात शाम को की जाती है। इसमें आप मानसिक रूप से अपने भीतर की जटिलताओं और अशुद्धियों को साफ करते हैं। आराम से बैठ जाएं और हल्के से अपनी आंखें बंद कर लें। अपना ध्यान पीठ की ओर ले जाएं, सिर के ऊपर से लेकर नीचे रीढ़ की निचली हड्डी तक। कल्पना करें कि सभी जटिलताएं और अशुद्धियां धुएं के रूप में पूरे शारीरिक संरचना से बाहर निकल रही हैं। यह धुआं पूरे पीठ से तेजी से बाहर निकल रहा है। किसी भी ऐसी घटना या ऐसी चीज के बारे में ना सोचें जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, बस सब कुछ निकल जाने दें। धीरे से, पूरे भरोसे और आत्मविश्वास के साथ सफाई की प्रक्रिया में तेजी लाएं। आवश्यकता अनुसार अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करें। इस प्रक्रिया को लगभग 20 मिनट तक करते रहें। जैसे जैसे जटिलताएं और अशुद्धियां बाहर निकलती जाती हैं, आप हृदय में हल्कापन महसूस करते जाते हैं, जिससे शून्यता बनती जाती है। एक पवित्र धारा दिव्य स्रोत से आपके हृदय में उतरकर उस शून्यता को भरती जा रही है। यह पवित्र धारा जटिलताओं और अशुद्धियों को हटाने में आपकी मदद कर रही है। जटिलताएं और अशुद्धियां जब निकल जाती हैं, आप सहजता और पवित्रता की अनुभूति करने लगते हैं। यह पवित्र धारा हर कोशिका में और शरीर के हर एक कोने में प्रवेश करती जा रही है। आपका संपूर्ण शरीर पूरी तरह से शुद्धता को महसूस कर रहा है और वह अब पूरी तरह पवित्र हो गया है। तो एवरीवन, आई होप ये थोड़ा ज्यादा आपको विजुअलाइज हुआ, तो बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या करना है। ओके, तो अब हम आप लोग सबको निवेदन है, आप अपने अपने जगह जहाँ पे भी हो, आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में जगह पे चले जाएं जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, और आपके मोबाइल फोन्स को साइलेंट कर दें, और हाँ, ताकि हम कोई डिस्टर्ब ना हो। ओके, तो हम आज सफाई की प्रक्रिया करेंगे, उसके बाद हम ध्यान में इसको मर्ज कर लेंगे। ओके, तो शुरू कर रहेंगे। लेट एवरीवन बिकम कंफर्टेबल। शुरू करें। ओके, ऑलराइट, प्लीज सिट कंफर्टेबली। फर्स्ट रिलैक्स योर एंटायर बॉडी। फील that my entire body from the toes to the top of my head, mera pura sharir puri tarah se relaxed hai.
अब अपना ध्यान आपकी पीठ पर ले आएं। खुद को ये संकल्प दें कि सभी जटिलताएं और सभी अशुद्धियां मेरी संपूर्ण पीठ से माथे के शिखर से लेके टेलबोन तक, मेरी पूरी पीठ से सभी जटिलताएं और सभी अशुद्धियां धुओं के रूप में निकलती जा रही है। धुओं को निकलते हुए देखें, इमेजिन करें और महसूस करें। धीरे से हम इस प्रक्रिया को वेग देंगे, स्पीड देंगे और महसूस करेंगे कि बहुत सारे धुएं मेरे संपूर्ण पीठ से निकलती जा रहे हैं। माथे के पिछले भाग से, गर्दन के पीछे से, गर्दन से, पीठ से, कमर से, टेलबोन तक बहुत सारे धुएं निकलते जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को चालू रखें। अपनी इच्छा शक्ति का संपूर्ण उपयोग करें। जैसे क्लीनिंग की प्रक्रिया होती जाएगी, हम शून्यता को महसूस करते जाएंगे, बहुत हल्का।
जैसे हल्कापन महसूस हो, हम आगे की तरफ आएंगे। आगे से दिव्य धारा सूत्र से मेरे हृदय में आ रही है। मेरे हृदय से होके हर एक कोशिकाओं में से होके ये दिव्य धारा मेरे शरीर के हर एक कण कण में, हर एक कोने में, शरीर के हर एक भाग में ये दिव्य धारा अब फैलती जा रही है। अब ये दिव्य धारा मेरे पूरे शरीर में समा गई है। अब मैं पूरी तरह से सरल, सहज, निर्मल और शुद्ध बन गई हूँ। जैसे कि ईश्वर का घर, I've now become crystal clear. अब हम ध्यान करेंगे, अपना अटेंशन हृदय पर ले आए। हृदय में ये संकल्प देंगे कि दिव्य प्रकाश मेरे हृदय में मौजूद है और वह मुझे भीतर की ओर खींच रहा है। प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन ऑन द हार्ट। हृदय पर अपना ध्यान शुरू करें।
नोट करें कि अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है। उस फीलिंग को पकड़े रहें, आत्मसात होने दें उससे। जब आप कंफर्टेबल हो तब आंखें खोलें। आज कोई शेयर करना चाहेगा क्लीनिंग में कैसा लगा? क्योंकि मुझे लगता है आप सभी ने क्लीनिंग पहली बार की होगी, तो कैसा लगा क्लीनिंग करने से? यस प्लीज। ये तो खुद का अनुभव ही बताना है ना, तो इसमें तो घबराना शर्माना कैसा? मैम, यस कृष्णा, अब क्लीनिंग मेरा अच्छा रहा। जब आपने ध्यान बोला ना तब भी थोड़ा क्लीनिंग चलता रहा। वाह। लेकिन ध्यान में मतलब भी लास्ट 5 मिनट में वो चक्कर आते हैं ना, सब गोल गोल घूमते हैं, वे सब बहुत हो रहा है। आंखें खोली ना तब भी ऐसे ही फील होता है। अभी कैसा लग रहा है? अभी थोड़ा थोड़ा चल रहा है वैसा। वो वाइब्रेशंस तुमको मिल रही होंगे अभी भी, प्राणाहुति के वाइब्रेशंस अभी भी मिल रही होंगी। अगर ऐसा होता है तो मैं क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, अगर आपको आंख खोल के वापस 2 सेकंड फ्यू मिनट्स आंख खोलो फिर बंद कर दो। मेंटल वेट वेंट ऑफ। 1 मिनट, ये क्या आया मैसेज? मेंटल वेट वेंट ऑफ, फेल दैट सिस्टम हैज रीबूट। अरे वाह, क्या शब्द यूज किए हैं ना जानवी, बहुत बढ़िया शब्द यूज करे हैं आपने। ओके वंडरफुल। सो कृष्णा, मैं ये कहूँगी कि जब भी ऐसा लगता है ना तो थोड़ी देर के लिए आंखें खोलो, वापस बंद कर दो। इसीलिए बोला जाता है कि ध्यान करने के बाद तुरंत आंख खोल के अपने कामों में मत लग जाओ। वो जो ग्रहण किया है, वो जो आपने मेहनत करी है, हम सब ने मेहनत करी है तो पगार मिलता है ना, हर महीने के एंड में पगार मिलता है। ये तो तभी के तभी हमको पगार मिल जाता है, तभी के तभी। सो दोस डिवाइन गिफ्ट्स डोंट जस्ट लेट इट गो ऑफ, अब्सॉर्ब, ट्राई टू रिकॉग्नाइज हाउ आम आई फीलिंग राइट नाउ। इट कुड बी पीस, इट कुड बी क्वाइटनेस, इट कुड बी साइलेंस, वॉट एवर यू आर फीलिंग, जस्ट होल्ड ऑन टू दैट थॉट। जब तक आप नॉर्मल ना फील करें मत उठो। Make yourself comfortable, जब ठीक है अब ठीक है, उस फीलिंग के साथ उठो और उसी फीलिंग को रखते हुए अपने जो भी भौतिक काम है, ऑफिस का काम, घर का काम, कोई भी काम उस तरीके से करना है। मतलब ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है। We do it spirituality with material. There is nothing we are telling you to leave. मटेरियल में हमें कोई कुछ ही चीज को इग्नोर नहीं करना है, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करके। हार्टफुलनेस इज सच अ थिंग दैट कि वो नहीं कभी बोलेगा कि शादी मत करो, कभी नहीं कहेंगे। प्रकृति ने बनाया ही क्यों ये करना है,
ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाना है. वी हैव टू लेट द अदर सोल्स कम इनटू द अर्थ. दे आर वेटिंग टू गेट इवॉल्व्ड टू गेट लिबरेटेड. सो दैट इज द डिवाइन ड्यूटी ऑफ ईच इंडिविजुअल टू रिप्रोड्यूस, टू प्रोक्रिएट. ओके. और इसीलिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, किसी भी चीज को हम नहीं कहते कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना. इधर ही रह के, भौतिक लाइफ में रह के आध्यात्मिकता को बढ़ाना है. इनफैक्ट वो इंटीग्रेट करना है, दोनों को साथ मिला के काम करना है. और फिर जो भौतिक लाइफ होगी वो और भी स्पिरिचुअलाइज्ड होती जाएगी. दैट नेहल मैम कुछ बोलने रहे थे, उनको भी क्या? सो आई एक्चुअली आई हैड यस्टरडे आल्सो द सेम फीलिंग एज इफ like I'm separate from myself. And then as Krishna is saying that you have little, you become little shaky within. Yeah. मुझे वो बहुत, मैंने बहुत लंबा टाइम नहीं चला, थोड़े टाइम तक I was shaking and then I went into a very deep sleep sort of a state. I think that was really very as Janvi saying, refreshing. So when you then open your eyes, you feel you are charged. Yeah, rebooted. That is what the beautiful word, the charge and reboot. इतने सारे applicants लेके, applications लेके चलते हैं ना हम लोग. जैसे मैंने कहा, एक साल का नहीं, दो साल का नहीं, हर एक, so many things we take into our here heart. Burden कर लेते हैं अपने पूरे शारीरिक और मानसिक तरीके से. तो उस बर्डन को कैसे अनबर्डन करना है? इतना सारा क्लटर चलता है ना, डीक्लटर करना है. और वो धुएं में ऐसा था कि आई डोंट नो वो इमेजिनेशन कितना वर्क करता है, बट आई वाज लाइक आई कुड सी माय धुआं ऑल ब्लैक एंड डार्क ब्लैक एंड ब्राउन इन कलर एंड इट्स लाइक गोइंग ऑफ. जैसे ना वो वेट कर रहा था निकलने दो निकलने दो. बहुत बढ़िया. जो भी कलर निकलता है निकलने दो. हाँ. जो भी कलर आता है, रेड कलर आता है, पर्पल कलर, जो कलर आता है बस निकालना है, उसको अंदर नहीं रखना है. अपने आप को एकदम लाइट करना है. डेली वी विल डू दिस. डेली व्हाट इज हैपनिंग, वी डू नॉट नो विच संस्कार इज गोइंग आउट. इट इज ऑफ द पास्ट बर्थ और दिस बर्थ. दैट मैकेनिज्म को हमको समझना भी नहीं. वी डू नॉट हैव दैट कैपेसिटी ऑल्सो. But we have to keep doing it. And karte karte, then the transformation you will see, that is the amazing part. ये कैसा है कि experiment में खुद के ऊपर ही कर रही हूँ. Laboratory में रहता है, laboratory में हम experiment करते हैं, theory पढ़ते हैं और laboratory में experiment करते हैं. यहाँ पे मेरे खुद के ऊपर ये experiment हो रहा है. मैं खुद ही इसका result का ये अनुमान दूंगी. आप सभी ने उसी को दिया ना आज. कैसे? पहली बार कर रहे हो आप लोग, लेकिन एवरी वन ऑफ यू मस्ट हैव फेल्ट यूनिक थिंग्स के ऑल दिस हैपेंड, दिस हैपेंड एंड देन राइट नाउ आई एम फीलिंग सो वेरी रिलैक्स्ड, सो वेरी लाइट. सो दैट इज द स्पीड व्हिच पिक्स अप बिकॉज ऑफ मेडिटेशन में ट्रांसमिशन की वजह से और क्लीनिंग की पद्धति में जो सफाई करती है. वो क्या है ना, पानी का बॉटल है. ओके. वो अगर आधा भरा हुआ है तो सिर्फ आधा ही भरेगा ना, बाकी जो एक्स्ट्रा होगा वो तो अच्छा लगता जाएगा. तो क्लीनिंग में हम उसको पूरा पात्र को पूरा क्लीन साफ कर देते हैं, ताकि सुबह में जब मैं मेडिटेशन करने बैठूंगी तो प्राणाहुति जो मुझे मिलेगी वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर पाऊँ. एंड देन द ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स, द एवोल्यूशन. एक्चुअली एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस स्टार्ट्स हैपनिंग. At this moment only it has started happening from yesterday, from the first sitting itself that we have experienced. It has started. The journey has started. So I have two questions on that. Yeah. हमें इसको क्यों सिर्फ आधा घंटा करना है और शाम को ही क्यों करना है? क्योंकि मेरे केस में ऐसा है कि मैं जॉब करके आती हूँ तो शाम को ये जो विल पावर यूज करना है ना, तो शाम को वी आर सो एग्जॉस्टेड दैट इट इज रियली डिफिकल्ट टू सिट डाउन. एंड अगर हो ऐसा होगा कि शायद मैं बैठने जाऊंगी तो मैं सो जाऊंगी करने के बजाय, क्लीनिंग करने के बजाय.
तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है कि मैं कैसे बैठूं और क्लीनिंग करूं काम से आने के बाद। तो क्या शाम को ही कर सकते हैं? शाम को ही ये करना है। आज आप 7 बजे हमने किया है, सब लोगों ने अपना अपना ड्यूटी तो करके ही आए हैं ना। कितनों को आज लगा, नेहल मैडम को भी लगा, कृष्णा को भी लगा, कैसे रीबूट हो गया, रिचार्ज हो गया। वो होगा ही, भले आपको लगता आज मुझे बहुत थक गई हूँ, इसीलिए ही तो करना है, थक गई हूँ मैं इसीलिए तो मुझे ये, भले देखो ये आधे घंटे का टाइम दिया है लेकिन आपको लगता है टाइम नहीं है ज़्यादा, तो 20 मिनट्स करो, 20 मिनट से शुरू करो, यानी 10 मिनट क्लीन, 10 मिनट डिवाइन एनर्जी को एंट्री करने दो। ठीक है, जैसे मैंने कहा ड्यूरिंग द मॉर्निंग द एनर्जी फ्लो इज इनवर्ड्स। प्रकृति जब सूर्योदय से पहले इनवर्ड सारी एनर्जी अंदर के तरफ आती है, इसीलिए ध्यान करना, एनर्जी अंदर जा रही है। ओके, इसीलिए ध्यान करना बहुत आसान होता है सुबह में सूर्योदय से पहले, और शाम को एनर्जी जो है बाहर के तरफ जाती, इसीलिए क्लीनिंग करना बहुत बेनिफिशियल होता है इवनिंग में। ये क्या कर रहे हैं हम, सब कुछ बाहर निकाल रहे हैं ना, तो वो बाहर निकालने में वो और भी ज्यादा हमको फैसिलिटेट करेगा, विल पार हम लगा रहे हैं उसको। ठीक है, और ये इसीलिए ही हम थक गए हैं, इसीलिए ही हमको रिबूट होने के लिए इसे करना चाहिए, जरूरी है। और फिर आप इस लाइट कॉन्शियसनेस में जाके अपने फैमिली से मिलो और अपना कुकिंग करो, देन द फीलिंग इज टोटली डिफरेंट। आई एम नॉट कुकिंग इन द इन दिस के ओ माई गॉड आई एम सो टायर्ड, अभी इसको ख़त्म करना है, अभी चपाती बनानी है, अभी ये आई एम सो इरिटेटेड, राइट दैट वे योर आर्बिट एब्सोल्युटली रिफ्रेश्ड, रिजुविनेशन इसीलिए इसको कहते हैं, रिजुविनेट योर सेल्फ एंड देन यू गो बैक टू योर फैमिली, इसीलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी। हम उसी स्टेट ऑफ माइंड जो मैं ऑफिस में से लेकर आई हूँ, इतना कुछ ऑफिस में हुआ, मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया या मेरी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुई, उसी थॉट प्रोसेस उसी इमोशंस को मैं बाहर लेके आई हूँ घर पे, और यदि मेरे पास बच्चे हैं और वो कुछ बोला और मैं इसको ऊपर फट करके लगा दिया गुस्से होकर, क्योंकि मैं खुद ही अपने आप में नहीं हूँ, आई एम सो अपसेट अबाउट थिंग्स, सो लेट मी फर्स्ट get that all that burden, just deload it by doing this cleaning. Okay, and then one more question ma'am, those who are doing job like me and coming in the evening, अगर माने हम आ गए घर पे तो हम चाय वगैरह पी के फिर कर सकते हैं या तुरंत करना चाहिए? Perfect, refresh हो जाओ, चाय वाय पियो, relax हो जाओ, बैठो। Okay, see कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास बहुत सारा काम है, घर आके भी कुछ गेस्ट हैं, ये हुए, कहीं बाहर जाना है, शादी वादी है, कुछ जाना है, ओके बहुत बिजी हूँ मैं, बहुत बिजी हूँ, बराबर। पर सोने से पहले उसको फिनिश कर दो, तभी टाइम नहीं मिला। ओके चलो रात को सोने से पहले एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए क्लीनिंग कर लो। बेस्ट तब होता है कि खाना खाने के पहले, क्योंकि खाना खाने के बाद पूरा जो है ना ब्लड फ्लो जाता है पेट पे, पेट मांगता है और ब्लड, वी बिकम वेरी ड्राउजी स्लीपी, तो वो विल पावर लगाना मुश्किल हो जाता है। पर जो भी है तो भी 10 मिनट तो करके ही सो, उस दिन का वो पूरा चुप तो करो, क्लीन कर दो, इरेस मार दो, ताकि नेक्स्ट डे आई एम इन अ रिफ्रेश्ड कॉन्शियसनेस, आई एम सिटिंग बैक फॉर मेडिटेशन एंड द ट्रांसमिशन कैन बी अब्सॉर्ब इजिली। और किसी को कुछ शेयर करना है? हाँ, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग, क्योंकि इवनिंग में जो करना है उसका एक और ये रीज़न भी है कि एंटायर डे में सुबह वी आर लाइक न्यूट्रल, व्हेन वी वेक अप वी आर लाइक न्यूट्रल, इन द एंटायर डे हम पॉजिटिव और नेगेटिव सारे थॉट्स को कलेक्ट कर लेते हैं, एंड इवनिंग इज द ओनली टाइम जब हमें सब निकालना है। अगर दोपहर को कर लिया तो रीबूट हो गया, अब वापस दोपहर के बाद वी आर कलेक्टिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव थॉट्स, तो फिर वापस रिबूट करना इज नॉट पॉसिबल, तो इवनिंग में सिंगल टाइम पे बैठेंगे और रिबूट कर देंगे तो इट इज बेटर। एक और चीज, अच्छा तुमने मुझे याद दिला दिया, उसका नाम अभी मैं, इट्स जस्ट एन इमरजेंसी क्लीनिंग। ओके सपोज ऐसा है कि टोमेटो सॉस सुबह में ही गिर गया,
टमाटो सॉस सुबह में मैं न्यूट्रल मस्त फ्रेश उठी, लेकिन इस टमाटो सॉस सुबह में ही गिर गया। शाम तक मत वेट करो, इमरजेंसी क्लीनिंग 5 मिनट की गो, मतलब कहीं पे भी सेपरेट हो जाओ, घर पे नहीं हो तो बाहर हो तो गेट योर सेल्फ कहीं पे, यू हैव सम प्लेस वेयर यू हैव 5 मिनट्स फॉर योर सेल्फ, जस्ट क्लोज शट डाउन योर आईज एंड डू दैट क्लीनिंग प्रोसेस। शाम तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं बाथरूम में चले जाओ या आंखें बंद करके भी आप क्लीनिंग कर सकते हो, कहीं ऐसी जगह हो जहाँ मैं आंख भी नहीं बंद कर पाती हूँ लेकिन बहुत अपसेट हो गई हूँ किसी बात को लेके, तो वो टमाटो सॉस को पूरे दिन मत लेके चलो, शाम को मैं क्लीनिंग करूँगी। फिर शाम को प्रॉपर वाली क्लीनिंग ज़रूर करनी ही है, चाहे दिन में मुझे इस इमरजेंसी क्लीनिंग को 2-3 बार करना पड़े, पता नहीं व्हाट इज हैपनिंग, वी डू नॉट नो, वी आर गोइंग थ्रू सो मेनी थिंग्स, यू नो, किसी बात को लेके सम समथिंग कीप्स ऑन हैपनिंग, सो एज सून व्हेन यू फील कि नहीं आई एम, माय हार्ट फील्स बर्डन्ड नाउ, आई एम, कुछ हो गया है, इमिजिएटली ट्राई टू क्लीन इट ऑफ फॉर 5 मिनट्स इमरजेंसी क्लीनिंग। गुड यू रिमाइंडेड मी जानवी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इट एट दैट मोमेंट इटसेल्फ, तब आप खुद शांत हो जाएगा, सामने वाला जो वो कर रहा है वो भी थोड़ा शांत हो जाएगा, और फिर I have one more question, ma'am. हाँ बोलो। Bhumi, you want to share something? No, I was trying to tell her, Bhumi, तुम करती हो कि सिर्फ anchoring के लिए बैठ रही हो? नहीं नहीं कर रही हूँ मैम, मुझे तो ये करने के बाद ऐसा फील हो रहा है ना कि बस ऐसे ही रहो शांत। मुझे ऐसे चीज करने के बाद थोड़ा ऐसा चुप रहना ज्यादा अच्छा लगता है। यस, वो बहुत जरूरी है और वो चीज फील करने में ज्यादा मजा आता है कि वो ऐसे ही चलती रहे बस। फिर उसको आप वो लेके जा सकते, जैसे प्रैक्टिस करोगी उस मेडिटेटिव स्टेट, उसको हम मेडिटेटिव स्टेट बोलते हैं, उसको आप लंबा सकोगी, व्हेन यू विल कीप इन दैट इंटरनल फीलिंग चालू रहेगी, सो साइलेंट, उस फीलिंग के साथ होके यू कैन डू ऑल योर वर्क, यू कैन गो टू कॉलेज, यू कैन डू योर स्टडीज, यू कैन गो टू योर वर्क, बी विथ योर कलीग्स, टॉक विद देम, नॉट नेसेसरी कि आँख बंद करके ही फिर ध्यान हो, फिर वो खुली आँखों में ध्यान रहेगा। Yes, Nehal, something you were saying? Yeah, so ma'am, in the initial introduction of the technique, आपने बताया कि anger को हम वो नहीं कर सकते, मैंने anger कभी जा नहीं सकते, can you elaborate that? Because so many people are trying to do anger management, yes. और अगर anger जाना ही नहीं है तो फिर उसका क्या करना है actually? हो, anger management क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमारा एंगर जो है एक एक्सप्रेशन ऑफ एंगर रहता है, एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, एंगर हो सी, गलत चीज़ों के लिए एंगर होता है, सामने वाला कुछ गलत कर रहा है तो एंग्री, वी आर एंग्री, बट डजेंट मीन वी हैव टू बी वेरी एक्सप्लोजिव एंड वेरी एग्रेसिव, यू टेल द सेम थिंग इन अ पोलाइट टोन, यू टेल द सेम थिंग इन अ पोलाइट टोन, फिर सामने वाला समझता है, सुनता है, नहीं जाने दो, फिर अपना पॉइंट डाल दो, ऐसे नहीं कर रहे कि आप पॉइंट आउट मत करो, करो पॉइंट इट आउट बट पोलाइटली, डज नॉट मीन कि आई थ्रो थिंग्स एंड यू नो वी ऑल आर गोइंग थ्रू दीज फेजेस, बट जैसे जैसे हम करते जाएंगे ये एपिसोड्स जो हैं वो कम होते जाएंगे, कि अर्लियर आई वॉज वेरी एक्सप्लोजिव in my expressions, in my reactions, dheere dheere they have come down, maybe I was doing it 100 times in a year, it will gradually keep coming down, maybe it will come down to 80 and then 70 and then 60, and you are yourself and all this is happening automatically. Nothing is something which I'm forcing myself into. These changes will come automatically. I will feel I don't need to shout now. There is no point in shouting. Put your point, whatever you are wanting, the samne wale ko jo bhi aapko bolna hai, put your point.
ओके सो एंग्री निकालना इसीलिए एंगर मैनेजमेंट इसीलिए करना है, एंगर मैनेजमेंट करना है, सीखना है, समझ इसमें भी है हमारा एंगर डिटॉक्स है. वी हैव एंगर डिटॉक्स, वी हैव फियर डिटॉक्स, वी हैव स्ट्रेस डिटॉक्स एंड वी हैव सेक्स डिटॉक्स, जिनमें काम की ज़्यादा वो है उसको भी मॉडरेशन में लाने का, उसके लिए भी मेथड्स हैं. तो बाबूजी महाराज हमारे जो सेकंड गाइड हैं उन्होंने ये चीज़ कही है कि गुस्से को कभी भी हम ख़त्म नहीं कर सकते, वो डिविनिटी ने हमको दी है. हमने ईश्वर भगवान को भी देखा नहीं कि गुस्से होते हैं, शिव जी गुस्से होते हैं, है गुस्सा है गलत हो रहा है हम कर देते हैं एक्सप्लोर राइट, बट देयर इज अ वे टू डू इट, दैट टोन ऑफ डूइंग इट. तो ख़त्म नहीं करना है, पर एंगर शुड नॉट बी, जैसे कि हम हमेशा दूसरों के ऊपर बोलते हैं ना, तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसी तू ऐसी राइट, देन आई हैव माई अटेंशन विल गो टू माई ओन सेल्फ, दैट एंगर विल बी देयर कि वाई आई एम लाइक दैट, वाई आई एम सो, वाई एम आई सो इम्पेशेंट, वाई आई एम आई सो what to say, what demanding, okay, everyone may be somebody, अलग अलग बिहेवियर होता है सबका ना, तो वो खुद के खुद में जाएगा, फिर वो गुस्सा खुद पे रहेगा कि भाई अब तू ऐसी नहीं, अब तुझे सुधरना है, तुझे तुझ पे काम करना है. दूसरों को नहीं बोलूँगी मैं कि तुम ऐसे करो या तुम वैसे करो, मुझे क्या करना है वो मुझे. तो एंगर शुड बी, बाबू जी महाराज अवर सेकेंड गाइसेस, एंगर शुड बी ऑन सेल्फ नॉट ऑन अदर्स, नॉट ऑन एक्सप्रेसिंग ऑन अदर्स. इसीलिए एंगर मैनेजमेंट तो जिन जिन लोगों को जो है बहुत एग्रेसिव है, हम सभी को ये करना जरूरी है. So are you satisfied with my answer, Nehal ma'am? Yes, yes. And on that note, maybe it's taking little longer, but yeah. मैं खुद भी पूछना चाहूँगी एक आखिरी सवाल कि how would you put a fear in that reference? Because मैंने कहीं ऐसा पढ़ा था कि fear और anger हमारे basic emotion है, उसी में से सारा बनता है. तो हमें फियर को कैसे डील करना चाहिए, माने उसको हम कैसे लेंगे? जैसे एंगर वी नाउ अंडरस्टैंड कि उसको मैनेज करना ज़रूरी है, और एक तरीका हम जब मेडिटेट करेंगे तो हम में आएगा ऑटोमेटिक और वी देन लर्न टू डील विथ इट, बट हाउ अबाउट फियर? फियर विल टोटली गो ऑफ. सी जब शोभ हुआ था ना, जब क्रिएशन हुआ, तब फर्स्ट जो इमोशन आया वो फियर ही आया, फियर ही आया जब क्रिएशन बना. ये भी हमारे जो सेकंड गाइड है ना बाबूजी महाराज, उन्होंने ये हमारी सॉरी नॉट बाबूजी महाराज, हमारे फर्स्ट गाइड लालाजी महाराज, उन्होंने अपनी बुक ट्रुथ इटर्नल में ये बात कही है दैट फियर वाज द फर्स्ट इमोशन दैट हैपेंड. ओके, एंड फियर कैन बी टोटली गॉन, चला जाएगा. क्लीनिंग करते करते द होल स्पेक्ट्रम ऑफ फियर विल गो ऑफ. देर आर स्पेक्ट्रम्स ऑफ फियर्स, इज़न्ट इट? पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फियर्स. इट कुड बी गोस्ट, इट कुड बी डार्क, इट कुड बी अलोन, इट कुड बी ऑफ एनिमल्स, इट कुड बी सो मेनी टाइप्स ऑफ फियर्स, राइट? So all that spectrum can be absolutely cleaned off. Why? Because the fear is there. So I give you the reason. The first creation, the first emotion, the first stir created that fear. Fear aaya. Jab womb mein se baby nikalta hai, baby is so secured in the womb. Jab womb mein se baby nikalta hai, toh bhi he is into a different world. That time also there is some sort of fear. Okay. Okay. So I got lot of clarity. Yeah, yeah. So basically, these two things are difficult to deal: anger and fear. Everyone, with everyone of us. Yeah, yeah, and that leads to lot of troubles actually. Yes, yes.
That is how we will then try to become poised and balanced. I would request to everyone to hear Daji in YouTube, on YouTube. You will see his style of speech. You will feel the poise that he is talking in. All that we also can become. That poised. All we need is practice, practice, and practice. So, अगर किसी और को कोई question है तो पूछ सकते हैं. Otherwise, हम आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं. और I would like everybody to share their comments in the WhatsApp group. तो WhatsApp group में कुछ डालिएगा. मैं आधा घंटा WhatsApp group खुला रखूँगी. So that आप अपने comments share कर सकते हैं. आप गुजराती में भी लिख सकते हैं आप लोग, है ना? You can, anyone can, right? गुजराती So we can end up the session. Yeah, so just a reminder, tomorrow the session will be in the morning, 10:30. 10:30. 10:30 कल का आखिरी session रहेगा और वो भी different रहेगा. It's not the repetition. So please attend. Yeah. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night.